आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की। अगर आपने अभी तक आहट एक अनहोनी की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें और बिना डरे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं अपना ट्रेन का सफर एंजॉय करते हुए जा रहा था। काफी मजे से मेरा सफर कट रहा था। हम 6-7 दोस्त साथ में कोच्चि से गोवा जा रहे थे। कोंकण रेलवे का रूट बहुत ही सुहाने और दिल को छू जाने वाले सौंदर्य से भरपूर रास्ते से गुजरता है। हम सभी ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते जा रहे थे और रात के करीब 10 बजे तक सो गए थे। जब मेरी आंख खुली तो मैं फ्रेश होने के लिए चला गया और बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि ट्रेन कोई स्टेशन पर खड़ी है। स्टेशन देखने में तो काफी छोटा ही लग रहा था और काफी रात हो जाने की वजह से स्टेशन पर कोई दिख भी नहीं रहा था। मुझे अचानक से पता नहीं क्यों उस समय चाय पीने की इच्छा हो गई और मैं स्टेशन पर उतर गया। चाय की स्टॉल कुछ ही दूरी पर थी तो मैं जल्दी से वहां पर पहुंचा और चाय पी रहा था, तभी ट्रेन अचानक ही बगैर सीटी दिए ही चल पड़ी, जिसका मुझे पता ही नहीं चला। उस केटली वाले ने मुझे ट्रेन जाने का इशारा किया, तब मेरी नजर ट्रेन पर गई जो काफी आगे बढ़ चुकी थी। मेरा डिब्बा तो अब पकड़ना मेरे लिए असंभव ही था। मैंने फिर भी चाय का कप फेंकते हुए दौड़ लगाई और एक डिब्बे को आखिर पकड़ ही लिया और कूद के उस पर चढ़ गया। जैसे ही डिब्बे पर मैं चढ़ा, वो डिब्बा बिल्कुल अलग ही लग रहा था और काफी जलने की बास आ रही थी उसमें से। मुझे लगा कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। डिब्बा धुआं धुआं हो रहा था। मेरी तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई और मैं गेट के पास ही खड़ा रहा। काफी बदबू से भरा डिब्बा था वो, मुझसे सांस तक नहीं ली जा रही थी। फिर भी मैं वहीं गेट के पास ही खड़ा रहा। थकान की वजह से वहीं सीढ़ी के पास बैठ गया और कब आंख लग गई मैं नहीं जान पाया। एक जोरदार तमाचे ने मेरी नींद तोड़ दी। घबराहट से जब मेरी आंख खुली तो दो यमदूत जैसे जले हुए आदमी मेरे पास बैठे थे। मेरी नजर उनसे मिलते ही वो मुझे सीधा मारने लगे। डर के मारे मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उन लोगों ने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया था और मुझे पांव से घसीट कर डिब्बे में ले जा रहे थे, लेकिन उसमें से एक ने मेरा पांव छोड़ दिया और मुझे वहीं उल्टा लिटा कर फिर से मारने लगे। उनके हिसाब से तो मैं शायद मर ही गया था, लेकिन मैं अभी भी होश में ही था। अभी मुझे जिंदा रहना था, शायद इसीलिए एक स्टेशन जल्दी ही आ गया। जैसे ही स्टेशन का प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, मैं दौड़कर कूद गया। उसके बाद क्या हुआ ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता। जब हॉस्पिटल में मैं होश में आया, तब मुझे मेरे दोस्तों से पता चला था कि वो डिब्बा दूसरे यार्ड में छोड़ने के लिए ट्रेन में लास्ट में लगाया गया था। उस डिब्बे में कुछ समय पहले आग लग गई थी, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।